हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर। क से केला, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कोई भी शब्द नहीं होता, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जग, झ से झंडा, ऐसे भी कोई शब्द नहीं है। इसको भी हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे गांव, जहां। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डॉक्टर, ढ से ढोल, अण से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। अण शब्द बीच में या आखिर में आता है, जैसे बाण, गुण। त से तरबूज, थ से थन, द से दिल, ध से धनुष, न से नींबू, प से पपीता, फ से फल, ब से बंदर, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रंगोली, ल से लड़की, व से वन, श से शलगम, स से षटकोण, स से साबुन, ह से हिरण, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। तो बच्चों, ये थे हिंदी में वर्णमाला।